नमस्कार। रिवेलियन वॉयस के ऑडियंस को प्रोफेसर कर्नल शिशिर कुमार का शुभकामनाएं। आपको याद होगा, इसके पहले हम सेल्फ मास्टरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ कोइंसिडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है गोल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल्स, यानी लक्ष्य क्या चीज है, जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति एक चौराहे पर गया और वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा था। वो किसी का इंतजार कर रहा था। उसने उससे पूछा, कृपया ये बताएंगे आप मुझे महाशय कि ये सड़क कहाँ जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुरा कर रह गया। उसने पूछा, नहीं जानते हैं कि ये सड़क कहाँ जाती है? कम से कम ये तो बताइए, ये दूसरी सड़क कहाँ जाती है? बुद्धिमान व्यक्ति ने फिर मुस्कुराया और जवाब कुछ नहीं दिया। उसके बाद बोला इस व्यक्ति ने कि यदि आप नहीं जानते हैं तो चौराहे पर खड़े क्यों हैं? अच्छा, यही बता दीजिए कि तीसरी रास्ता किधर ले जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति से चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे महाशय कि आपको जाना कहाँ है? और उस व्यक्ति का जवाब था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये कहानी ये दिखलाता है कि जब मुझे पता ही नहीं है कि जाना किधर है, तो रास्ता किधर भी जा रही हो, इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। लक्ष्य गोल हमें दिशा देता है जिस दिशा में हमें जाना है। अगर हमारी नज़र जिस लक्ष्य की तरफ रहेगी तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको याद होगा, बचपन में आप सबों ने भी पढ़ा होगा कि जब द्रोणाचार्य ने पूछा था अर्जुन से और दुर्योधन से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, पूरा जंगल देख रहा हूँ, कई एक इसमें पौधे देख रहा हूँ, वृक्ष की कई एक टहनियाँ देख रहा हूँ, हर टहनी पर हजारों पक्षी बैठे हुए हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और जब अर्जुन से पूछा गया कि एक पक्षी के आँख को बेधना है, तुम क्या देख रहे हो? तो उसने बोला, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ उस पक्षी के आँख को देख रहा हूँ। यही होता है लक्ष्य यानी गोल। अब गोल को सेट करने के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। कैसे गोल सेट किया जाए? पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, यानी सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमारा वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हम किस चीज को सही मानते हैं और किस चीज को गलत मानते हैं। हम अपने शिक्षा के आधार पर, लालन पालन के आधार पर, परिवार के दिखाए गए रास्तों के आधार पर। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो हमारे वैल्यूज से हार्मोनी में होना चाहिए, कंग्रुएंस में होना चाहिए, यानी उसके अनुसार ही लक्ष्य होना चाहिए। एरिया ऑफ एक्सेलेंस, हम किस एरिया में सबसे अच्छा कर सकते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं सेना का एक अफसर था। मुझे पता चला वहाँ जाने के बाद कि शिक्षा का एरिया मेरा एरिया ऑफ एक्सेलेंस है, और इसीलिए मैंने रिटायरमेंट लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू किया। जो आप व्यक्ति हैं उसको किस काम करने में सबसे ज़्यादा आनंद आपको अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ एक्सेलेंस, और हमारा लक्ष्य उस एरिया में होना चाहिए। एक कहानी मुझे याद आती है, बेहद अच्छी कहानी है, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। उस कहानी में है एकर्स ऑफ लैंड की कहानी है। एक मगध में एक किसान हुआ करता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थे। बड़ा संतुष्ट था, बड़ा खुशी था, बड़ा प्रसन्न था। एक दिन एक महात्मा उसके घर में आए। उस किसान का नाम था सुदर्शन, और उन्होंने कहा, सुदर्शन तुम बड़े प्रसन्न नजर आते हो। उसने कहा, यस, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, हमारे परिवार के सभी लोग उन्नति कर रहे हैं। तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा, क्या तुम्हारे पास हीरा है? इसने कहा, हीरा क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है।
तो महात्मा जी ने बताया, अगर तुम्हें थंब साइज का हीरा तुम्हारे पास होगा तो तुम पूरे स्टेट को खरीद सकते हो, अगर तुमको मुट्ठी साइज का हीरा होगा तो तुम पूरे देश को खरीद सकते हो। अब सुदर्शन को लगा कि मेरे पास हीरा नहीं है, उसने अपने सारे संपत्ति किसी और को बेच दी और हीरा के खोज में देश विदेश भटकता रहा। 2-3 साल के अंदर उसकी जितनी जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई, अंत में उसे हीरा नहीं मिला और नदी में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। इधर जिसको उसने जमीन बेचा था वो एक दिन हल जोत रहा था, हल जोतते जोतते एक थोड़ी सी चमकदार पत्थर उसे मिली, वो लेकर अपने टेबल पर एक पेपर वेट की तरह उसे रख दिया। वही महात्मा फिर लौट के आया और उसने पूछा, क्या सुदर्शन लौट कर आ गया है? उसने कहा, नहीं, सुदर्शन ने तो सारी संपत्ति मुझे बेच दी है, तो फिर यह हीरा किसने लाया? वो हंसने लगा, कहा, ये हीरा नहीं है, ये शीशा है। कहता है, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो? तो कहता है कि अगर ये हीरा है तो चलिए सुदर्शन के जमीन पर मैं ले चलता हूँ। और वहाँ जाने के बाद उस महात्मा ने देखा तो वहाँ कई एक एकड़ में हीरा ही हीरा था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से पहली शिक्षा ये मिलती है कि अपॉर्चुनिटी हमारे पैरों के नीचे होती है, हम उसे पहचान नहीं पाते। दूसरी शिक्षा मिलती है, जब अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाजा खटखटाता है तो हमें लगता है कि नॉइज है। तीसरी शिक्षा ये है कि हर एक अपॉर्चुनिटी अपने आप में अद्वितीय होता है, अनपैरलल्ड होता है। चौथा ये है कि दूसरे साइड से जो भी खेत का किनारा होता है वो ज़्यादा हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए जब इस साइड से आप देखेंगे तो दूसरे साइड ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा, दूसरे साइड से देखेंगे तो इस साइड ज़्यादा हरा भरा होता है। इसीलिए हम सबों के पास जो अपॉर्चुनिटी है पैरों के नीचे है और हमें उसका उपयोग करके सफल होना चाहिए। और इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट एवर यू हैव एंड राइट वेयर यू आर, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू अचीव दिस थिंग। आगे का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। कई एक तरह का गोल होता है, फैमिली गोल, फिजिकल गोल, रिलेशन गोल, फाइनेंशियल गोल, मटेरियल गोल, स्पिरिचुअल गोल। आपको अपने जीवन में बैलेंस एस्टेब्लिश करना होगा कि किस तरह के गोल आपको सेट करना है। एंड गोल है क्या, आपको पहले पता करना होगा कि हमारे जीवन का मेजर पर्पस क्या है, यानी हमारे मेजर उद्देश्य क्या है। लाइफ में एक बात याद रखिएगा कि बी इज बर्थ एंड डी इज डेथ। एंड व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। और बी और डी के बीच में एक लेटर आता है सी। सी का मतलब होता है च्वाइस। च्वाइस माने हमारे सबसे पसंदीदा एरिया कौन है, हमारा सबसे मेजर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, सेंट्रल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो हमारा प्राथमिक गोल होगा, यानी प्राइमरी गोल होगा। एक बार आप प्राइमरी गोल सेट करेंगे उसके बाद सेकेंडरी गोल्स अपने आप बनते चले जाएंगे। यही फार्मूला है गोल सेटिंग का। नाउ गोल सेटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि हारमोनी होना चाहिए वैल्यूज के साथ। दूसरा रूल है गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसा गोल आप सेट कीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी संभावनाएं 50% होने की हो, तभी तो चैलेंजिंग होगी। अगर आप हल्का गोल सेट करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा गोल अचीव करने के बाद। गोल टेंजेबल इंटेंजेबल होना चाहिए, जो महसूस किया जा सके, जो ऐसा भी गोल हमको सेट करना होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऐसे भी गोल होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गोल कैसे सेट करें हम? गोल सेट करने के पहले हमें चीज अपने आप से सब ये सारे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। व्हाट इज 5 most important values ऑफ आवर लाइफ? 5 कौन से सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसको लिखिए। फिर उसके बाद पूछिए 3 कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल आपके लाइफ में है, जो प्राथमिक गोल है, 1, 2, 3, इस तरह लिखिए।
तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछिए कि अगर आपको कोई बता दे कि आपके जीवन के सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो आप क्या करना चाहेंगे इन 6 मंथ्स में, ये आपको बताएगा कि आपका प्राथमिक गोल क्या है। चौथा क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछिए कि 100 करोड़ रुपए आपको लॉटरी में मिल गए हैं, आप कैसे खर्च करना चाहेंगे, ये भी आपको बताएगा कि किस एरिया में कैसा गोल सेट करना है। पांचवा क्वेश्चन अब अपने से पूछिए, आप क्या वो काम है जो करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए इस डर से कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, उसको जॉट डाउन कीजिए और आप उसे करिए। छठा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा काम है जो करने में आपको आनंद आता है, उस एरिया में गोल सेट करिए। एंड जिस एरिया में आपको काम करने में आनंद आता है वो आपका बेस्ट गोल होगा। तो ये है लक्ष्य निर्धारण के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।